नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम इसमें समझाएंगे कि जो बिस्टो क्लब मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, इसमें जो बार का मॉड्यूल है वो कैसे काम करता है और उसके फीचर्स क्या क्या हैं। जहां तक फीचर्स की बात करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम जाएंगे इन्वेंटरी मैनेजमेंट में। इन्वेंटरी मैनेजमेंट में दोस्तों हम देखेंगे कि जो आइटम्स है, आइटम्स को हम कैसे क्रिएट करेंगे बार की आइटम्स को, और बार के आइटम्स को क्रिएट करने के बाद दोस्तों हम देखेंगे कि उसे हम जो है आइटम परचेज कैसे करेंगे। और कैसे हम आइटम्स की रिक्विजिशन ऐड करते हैं और कैसे हम आइटम्स को इश्यू करेंगे दोस्तों। फिर उसके बाद हम जाएंगे इसमें अगले मॉड्यूल में, वो होगा हमारा पॉइंट ऑफ सेल। क्या हम कैसे जो बार की जो सेलिंग लोकेशन है वो होती है, वो मैक्सिमम होती है, तो हम कैसे यहाँ पर बार की जो लोकेशन है उन्हें हम क्रिएट करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम इसमें टेबल का कंसेप्ट समझेंगे। टेबल का कंसेप्ट समझने के बाद दोस्तों हम इसमें आएंगे बीओटी में, और बीओटी के बाद दोस्तों हम बार का जो है बिल जनरेट करेंगे। बार का बिल जनरेट करने के बाद दोस्तों हम इसमें देखेंगे कि जो बिल है उसे हम कैसे मॉडिफाई करते हैं, और बिल मॉडिफाई करने के बाद हम इसमें समझेंगे शिफ्ट टेबल का कंसेप्ट, और फिर उसके बाद हम इसमें देखेंगे रिपोर्ट्स। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे जितने भी यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं जो नोट किए हैं, ये सारे हमारे बार मॉड्यूल के अंदर आते हैं, बार मॉड्यूल्स के सारे जो है फीचर्स हैं। तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर में चलते हैं, लॉगिन कर लेंगे दोस्तों। लॉगिन करने के बाद हम जो है मास्टर्स में जाएंगे, मास्टर के अंदर हम जाएंगे इन्वेंटरी मैनेजमेंट में। यहाँ पे दोस्तों आइटम्स ग्रुप आपको दिख रहा है, यहाँ पे हम ग्रुप और सब ग्रुप जो है क्रिएट करेंगे ताकि हम जो है अपने आइटम को कैटेगराइज कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे मैंने अल्कोहलिक बेवरेजेस के नाम से ऑलरेडी एक जो है ग्रुप डिफाइन किया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये मैंने ग्रुप डिफाइन किया हुआ है, तो यहां से हम आइटम ग्रुप पर जाके हम ग्रुप जो है डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम ग्रुप का नेम इंसर्ट करते हैं और उसके बाद हम सेव के बटन पर क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों ग्रुप डिफाइन करने के बाद हम जाते हैं सब ग्रुप पे, और सब ग्रुप के अंदर दोस्तों यहाँ ऐसे कि मैंने यहाँ पे अल्कोहलिक जो बेवरेजेस है वो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, और यहाँ पे मैं आइटम्स का सब ग्रुप बना देता हूँ कैटेगराइज करने के लिए। जैसे कि हमारी जो लिक्वर्स है, मैं एक सब ग्रुप बना देता हूँ लिक्वर के नेम से, और एक बियर के नेम से, और एक विस्की के नेम से, ताकि जो है कि मैं अपने आइटम्स को इजिली जो है कैटेगराइज कर सकूं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो है सब ग्रुप जो है बना रखे हुए हैं, ये देख रहे हैं आप। वाइन यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे विस्की रेगुलर दिख रहा है, वोडका स्कॉच रम, ये जो है सारे सब ग्रुप यहाँ पे बना रखे हैं। जिन है, कॉकटेल है, ब्रीजर है, ब्रांडी है, बियर है। तो देखो दोस्तों ये सब ग्रुप में यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा ताकि जो मेरा आइटम्स है वो उसको मैं इजिली कैटेगराइज कर सकूं। अल्कोहलिक बेवरेज, उसके अंदर मैंने बियर वाइन डिफाइन कर दी, बियर डिफाइन कर दी, बिस्की डिफाइन कर दी, स्कॉच डिफाइन कर दी। तो दोस्तों अब मैं जाऊंगा यहाँ पे आइटम मास्टर के अंदर। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, मैं यहाँ से आइटम का जो है ग्रुप अपना सिलेक्ट कर लूंगा अल्कोहलिक बेवरेजेस, और यहाँ से देखो बियर। क्योंकि दोस्तों जब हम बार मैनेजमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि हम बार की जो है आइटम्स वो कैसे क्रिएट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं वही चीज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि बार की जो आइटम्स है वो हम कैसे क्रिएट करेंगे। पहले हमने एक ग्रुप बनाया और उसके बाद सब ग्रुप बनाया ताकि जो है बार के जो आइटम्स है उन्हें हम कैटेगराइज कर सके। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, हम ग्रुप सिलेक्ट करते हैं अल्कोहलिक बेवरेजेस जो हमने बार के लिए बनाया था, और यहाँ पे जो है बार के हम सब ग्रुप से जो है डिफाइन करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे बियर ले लेता हूँ, और यहाँ पे दोस्तों मैं बार की एक आइटम से बना लेता हूँ, बार की एक आइटम से बना लेता हूँ। हाँ यहाँ पर मैंने बार की एक आइटम से बना लिया दोस्तों।
और दोस्तों यहाँ पर आपको एक चेकबॉक्स दिख रहा है अप्लाई जीएसटी। तो जैसे कि आपको पता होता है कि बाहर की जो आइटम्स होती है उस पर जीएसटी तो लगता नहीं है, उस पर लगता है वैट। तो दोस्तों हम इस अप्लाई जीएसटी वाले जो चेकबॉक्स है इसे हम अनचेक कर देंगे। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा है परचेज यूनिट। एक्चुअली क्या होता है, जो बाहर की जो बॉटल्स होती है वो आती 750 ml में है या 1000 ml में, और जो सेल होती है वो होती है 30 ml में। तो जो बाहर की जो हम आइटम्स है वो हम परचेज तो बॉटल में करते हैं, लेकिन उसका उसकी जो सेल होती है वो हम ml में करते हैं, पैक में करते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम परचेज यूनिट डिफाइन कर देते हैं 750 ml हमने यहाँ पे बॉटल ले ली है, और यहाँ पर हम सेल यूनिट जो है वो डिफाइन करेंगे पर 30 ml। तो दोस्तों इससे क्या होगा कि जब हम परचेज करेंगे तो वहां पर हमारी जो यूनिट होगा वो 750 ml के बेस पर परचेज करेगा, और सेल के टाइम पे जो हमारी यूनिट होगी वो 30 ml के बेस में परचेज करेगी। और इससे दोस्तों हमारा एक फायदा और है, हमारी जो स्टॉक है वो हमारा मैनेज होगा, ये बहुत इजीली मैनेज हो जाएगा। बाद में मैं आपको स्टॉक भी दिखाऊंगा इसका इस वाले मॉड्यूल में। अब दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर टैक्स की। तो यहाँ पर हम टैक्स सिलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों वैट 20% जो है, वैट 20% यहाँ पर टैक्स लगता है बाहर में। और दोस्तों अब हम यहाँ पे देख लेते हैं सीपी। सीपी का मतलब होता है दोस्तों कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस जो होता है कि जो हमने जो लिखी है कितने में हमने परचेज की है। और फिर इसके बाद सेल प्राइस होता है दोस्तों कि हम जो है लिक्विड का जो ये 30 ml का जो पैक है इसको हम कितने में सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं जो है सेल प्राइस अभी कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस दोनों डिफाइन कर देता हूँ। कॉस्ट प्राइस इसका 180 डाल देता हूँ, और यहाँ पे जो सेल प्राइस है दोस्तों सेल प्राइस में इसका डाल देता हूँ यहाँ पे 180। तो दोस्तों यहाँ पे जो सेल यूनिट्स आप देख रहे हो ये सेल यूनिट्स मैं BTL में ही डालूंगा, क्योंकि जो BS होती है वो पैक में तो बिकती नहीं है। तो यहाँ पे मैं सेल यूनिट BTL ले लेता हूँ। अगर ये लिक्कर होती तो यहाँ पे मैं सेल यूनिट 30 ml ले लेता। और दोस्तों उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट दोस्तों ये इसलिए है क्योंकि जो ये सॉफ्टवेयर है ये टैली के साथ इंटीग्रेटेड है। तो यहाँ पे हम जो भी एक्टिविटी करते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं वो सीधे टैली में चली जाती है। तो इसलिए यहाँ पे जो है अकाउंट हैंड हमें यहाँ पे मैप करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखो अकाउंट हैंड यहाँ पे मैप कर देते हैं आइटम्स बनाते समय। जैसे यहाँ पे मैं परचेज ले लेता हूँ आपका बार परचेज ले लेता हूँ मैं 28, और यहाँ पे मैं वैसी बार सेल ले लूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है हम यहाँ पे अकाउंट हैंड भी यहाँ पे हमको मैप करना होगा जब हम आइटम बनाएंगे ना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है BTL SP। दोस्तों ये होता है कि कई बार ऐसा होता है कि मेंबर्स कहते हैं कि नहीं जी हमें पैक नहीं, हमें पूरी बॉटल दे दो। तो यहाँ पे बॉटल का सेल प्राइस आप डिफाइन कर सकते हैं डायरेक्ट, कि जो बॉटल्स होगी वो आप डायरेक्ट यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों ना। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे जो सेव का बटन है इस पर आप क्लिक कर देंगे तो जो है ये आइटम जो है हमारा सेव हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तो आपने देखा कि हम जो है बार के आइटम्स हमें कैसे बनानी है ना। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा इसमें कि बिल ऑफ मटेरियल जो बॉम होता है वो कैसे डिफाइन करते हैं, क्योंकि जो हमारी कॉकटेल्स होती है, कॉकटेल्स मल्टीपल चीजों से मिलकर बनी होती है। जैसे उसमें रम पकार्डी ऐड होती है, और उसके बाद उसमें आपका सोडा ऐड होता है, और उसके बाद उसमें आपका जो है लेमन जूस ऐड होता है। तो ये सारी चीजें कैसे बनेगी, कॉकटेल कैसे बनेगी वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है बिल ऑफ मटेरियल, आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों। तो बिल ऑफ मटेरियल पर क्लिक करने के बाद दोस्तों देखो आपको पास एक ये फॉर्म ओपन हो गया आ जाता है। तो दोस्तों यहाँ से आप जो है आइटम्स चूज कर सकते हैं, जैसे कॉकटेल्स मोजिटो है तो उसमें अगर आपकी रम बकार्डी लगती है या फिर जिन लगती है, तो जो भी आइटम्स यहाँ पर आपकी ऐड होगी वो आइटम्स यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पर मैं अभी एग्जांपल के लिए विस्की टीचर 50 ऐड कर लेता हूँ, और नाउ यहाँ पे इसकी जो क्वांटिटी है क्वांटिटी मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 2। तो दोस्तों फिर उसके बाद मैं इसे ऐड कर दूंगा। तो दोस्तों ऐड करने के बाद क्या होगा
कि जो ये डेटा है ये इस ग्रिड में आ गया है और मैं अब मैं इसे ओके कर दूंगा, और ओके करने के बाद मैं इसे सेव कर दूंगा। तो दोस्तों क्या होगा इसमें, क्या होगा कि अब जब मैं ईगल बियर यहाँ पे सेल करूंगा तो इसमें जो है विस्की टीचर्स 50 की 2 पैक जो है वो स्टॉक से माइनस हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो ये तो जो कंसेप्ट था ये था बॉम्ब का, और आइटम्स कैसे क्रिएट करना है वो आपने देख लिया, और क्या कहते हैं बॉम्ब कैसे डिफाइन करना है वो भी आपने देख लिया बिलो मटेरियल। अब दोस्तों इसके बाद अब हम चलते हैं आपके परचेज में। तो परचेज के लिए दोस्तों हम यहाँ जाएंगे स्टॉक ट्रांजेक्शन में और यहाँ पे मटेरियल रिसिप्ट नोट में। तो दोस्तों यहाँ से जो है हम लिख कर यहाँ पर हम ऐड करेंगे, परचेज करेंगे वेंडर से। तो दोस्तों हम यहाँ पर लोकेशन सिलेक्ट कर देते हैं, यहाँ पर हम सिलेक्ट लोकेशन में स्टोर कर देंगे। नाउ यहाँ पे आपको दोस्तों नीचे एक बटन दिख रहा है ऐड का, इस ऐड के बटन पर क्लिक करते ही जो है हमारे यहाँ पे सप्लायर और जो आइटम्स होते हैं ये दोनों हमारे लिए ओपन हो जाते हैं। और फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ से हम कोई सप्लायर सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पे सप्लायर सिलेक्ट कर लेता हूँ बिस्लेरी इंटरनेशनल। और फिर दोस्तों उसके बाद यहाँ पे हमारा जो है बिल और चालान डेट आ जाता है, और यहाँ पे MRN डेट आ जाता है, और यहाँ पे MRN का टाइम आ जाता है, और ये है यहाँ पे हम बिल का जो है चालान नंबर ऐड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ से हम पेमेंट जो है मोड जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं कि कैश में है या चेक में है, और यहाँ पे परचेज ऑर्डर। तो दोस्तों यहाँ से हम अपनी जो है आइटम्स सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे हम मुझे चाहिए यहाँ पे रम चाहिए, तो दोस्तों मैं रम यहाँ पे एंटर करूंगा तो यहाँ पे जो रम्स के जितने भी आइटम्स है वो मुझे शो हो जाएंगे। अब मैं रम बकार्डी वाइट यहाँ पे ले लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने जो आइटम सुना था सब उसका जो सेल रेट है वो तो मैंने डिफाइन किया नहीं था, तो इससे यहाँ पे जो है रेट का ऑप्शन ओपन है, आप यहाँ से रेट डाल सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे रेट डाल देता हूँ आपका 900, और फिर दोस्तों यहाँ पे देखो वैट 20% यहाँ पे लग के आ चुका है, और यहाँ पे आप एक्साइज और अदर जो आपके टैक्स लगते हैं वो भी आप डिफाइन कर सकते हो। और ना यहाँ पर आप डायरेक्ट आओगे क्वांटिटी पे, क्या मैं कितनी क्वांटिटी ली, यहाँ पे मैंने 12 क्वांटिटी ली है, तो जो क्वांटिटी जो 12 है ये एक्चुअली BTL में है, तो मैं इसे एड रो करता हूँ। तो एड रो करने के बाद देखो दोस्तों यहाँ पे जो है डेटा मेरा ग्रिड में आ चुका है दोस्तों। फिर उसके बाद मैं इसे सेव करूंगा, सेव करने के लिए मुझे कह रहा है बिल नंबर मस्ट बी एंटर्ड, यहाँ पे दोस्तों मैं अपना बिल नंबर लिख दूंगा और ना उसके बाद मैं इसे सेव कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, सेव करने के बाद दोस्तों क्या होगा जो हमारा रम बकार्डी वाइट है वो हम परचेज कर चुके हैं यहाँ पे। तो दोस्तों आप देख रहे हो यहाँ पे ऑपरेशन सक्सेसफुली, वाउचर पोस्टेड सक्सेसफुली, यहाँ पे जो हमारा जो है एक PR जनरेट हो चुका है, परचेज वाउचर जो है वो हमारा जनरेट हो चुका है और टैली को पोस्टेड हो चुका है। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया था कि सॉफ्टवेयर टैली के साथ इंटीग्रेटेड है, तो यहाँ पर हम जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं वो टैली में चली जाती है। तो दोस्तों यहाँ से जो है हमने परचेज कर लिया है, अब हम इसे क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद दोस्तों देखो दोस्तों यहाँ पे जो है हमारा जो है ये प्रिंट भी आ चुका है, देखिए दोस्तों यहाँ पे दिखा रहा है ये MRN नंबर दिखा रहा है, सप्लायर नेम दिखा रहा है, MRN डेट भी दिखा रहा है, और उसके बाद बिल डेट दिखा रहा है, और जो पेमेंट मोड था हमारा चेक था, और हमारा आइटम क्या था और उसकी यूनिट क्या थी, क्वांटिटी क्या थी, रेट क्या था, टैक्स क्या था, टोटल अमाउंट कितना हुआ, ये सारी चीजें यहाँ पर आ चुकी है। आप चाहे तो आप इसे यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं और डायरेक्ट प्रिंट भी कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है इसकी, आप प्रिंट भी कर सकते हैं और इसे जो रिपोर्ट है इसे आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और फिर दोस्तों अब मैं उसे यहां से क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद दोस्तों अब मैं जाऊंगा रिक्रिएशन में। अब क्या होता है कि जो बार मैन है वो रिक्रिएशन डालता है आइटम्स के लिए कि मुझे बार में आइटम चाहिए। तो यहाँ पे देखो दोस्तों यहाँ पे मैं जो फ्रॉम लोकेशन है इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ कि मुझे कहाँ से चाहिए, जो लिक्वर है एक्चुअली वो मेरी स्टोर में होगी, तो मैं यहाँ पे स्टोर सिलेक्ट कर दूंगा और यहाँ पे मैं ऐड के बटन पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे टू लोकेशन मेरी यहाँ पे बार आ जाती है, यहाँ पे यूटिलाइज बार दिख रहा है, और यहाँ पे जो रिक्वेशन डेट है ये रिक्वेशन डेट आ गई। और दोस्तों यहाँ पे जो है मैं उसका नाम डालता हूँ अपने आइटम्स का नाम, जैसे रम बकार्डी वाइट थी तो मैं ये डालता हूँ मुझे कितनी क्वांटिटी में चाहिए, मुझे चाहिए
बाय चांस 5 क्वांटिटी में और उसके बाद में इसे ऐड कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखो मैं मुझे 5 बोतल चाहिए और तो उसके लिए जो है मैं रिक्विजिशन जो है जनरेट कर चुका हूँ। अब यहाँ पर मैं सेव के बटन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से मेरी जो है रिक्विजिशन वो जनरेट हो जाएगी। ये देखो दोस्तों ये जो है रिक्विजिशन हमारी जो है जनरेट हो चुकी है ना। उसके बाद दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि हम इश्यू कैसे करेंगे रिक्विजिशन को। दोस्तों हम फिर ट्रांजेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे जो है इश्यू, अब जो है स्टोर वालों के पास जो है बाहर से रिक्विजिशन आ चुकी है। तो देखो स्टोर वाले क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे ऐड के बटन पर क्लिक करोगे तो ऐड के बटन पर क्लिक करते ही जो है आपकी जो लेटेस्ट रिक्विजिशन है वो यहाँ पे आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे एक ही रिक्विजिशन पड़ी हुई है तो इसे वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ चुकी है। अदरवाइज यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आपकी जितने भी रिक्विजिशन है वो सारी शो हो जाएंगी। तो यहाँ पे रिक्विजिशन हो गई है तो यहाँ पे देखो दोस्तों दिखा रहा है कि अवेलेबल जो क्वांटिटी है जंबो कार्डियोवैट की 48 है और यहाँ पे जो क्वांटिटी है 5 की उन्होंने मांग की है कि हमें 5 क्वांटिटी में चाहिए। तो यहाँ पे जो है हम 5 क्वांटिटी जो है यहाँ पे इश्यू कर देते हैं और इसे हम दोस्तों सेव कर देंगे। तो यहाँ पे बोला बुक नंबर कैन नॉट बी ब्लैंक का मैसेज आ रहा है तो यहाँ पे हम जो है बुक नंबर जो हम नोट करते हैं वो बुक नंबर हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे और इसे हम जो है सेव कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ से आप यहाँ पर आपने देखा कि कैसे जो है हम लिक्विड को इश्यू करेंगे। तो दोस्तों आप जो है ये लिक्विड जो है वो स्टॉक में आ चुकी है, तो स्टॉक में आ चुकी है तो अब हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पे एक चीज है यहाँ पे दोस्तों स्टॉक एडजस्टमेंट। दोस्तों एक्चुअली कई बार क्या होता है कि आपकी जैसे कोई लिक्विड है वो लोडिंग के टाइम पे हो सकता है ब्रेकेज हो जाती है या फिर कोई जो बॉटल है वो लीकेज कर जाती है, तो उस स्टॉक को आप कैसे एडजस्ट करेंगे वो चीज मैं यहाँ पे बताऊंगा। तो उसके लिए आप जाओगे स्टॉक एडजस्टमेंट में और यहाँ से दोस्तों आप जो है अपनी जो है लोकेशन आप सिलेक्ट कर दोगे। यहाँ से अगर आपका जो है स्टोर में जो लीकेज आ रहा था या फिर स्टोर से रिक्विजिशन लेने के बाद आपकी जो है बाहर में जो है आपकी कोई शॉर्टेज हुई है या फिर कोई लीकेज आया है बॉटल से आपकी ब्रेकेज हो गई है तो उसे एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप लोकेशन सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे जैसे मैं बाहर सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं ऐड के बटन पर क्लिक करूंगा, ऐड के बटन पर क्लिक करते हैं यहाँ पे जो है मेरी जो है लिक्विड्स के जो आइटम्स हैं वो यहाँ पे मुझे ड्रॉप डाउन में सारी शो हो रही है। अब जैसे मैं यहाँ पे कोई लिक्विड्स के आइटम ले लेता हूँ, जैसे वोट का मैं एब्सोल्यूट ले लेता हूँ और यहाँ पे दोस्तों आपको दिख रहा है DR और CR। तो दोस्तों यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट करेंगे हम, अगर हमारी जो बोतल है एक्सेस है तो हम DR करेंगे और अगर हमारी जो बोतल है क्या कहते हैं मिसेज है ब्रेकेज है तो हम यहाँ पे CR करेंगे। और यहाँ पे दोस्तों हम क्वांटिटी डाल देंगे जैसे कि 1 है या 2 है तो यहाँ पे वो हम क्वांटिटी डालेंगे और यहाँ से हम रीजन सिलेक्ट कर देंगे कि शॉर्टेज है मिसिंग है ब्रेकेज है या फिर सरप्लस है। और उसके बाद हम दोस्तों यहाँ पे जो है एड रो का जो बटन है उस पर हम क्लिक कर देंगे तो और उसके बाद हम इसे सेव कर देंगे। तो दोस्तों क्रेडिट करने पे जो होगा यहाँ पे जो हमारा जो स्टॉक होगा स्टॉक से हमारे जो आइटम्स होगा वो माइनस होगा और डेबिट करने पे जो होगा वो प्लस होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ से तो हम जो है स्टॉक एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों अभी तक हमने क्या क्या सीखा, अभी तक हमने सीखा है हम आइटम्स कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे हम परचेज करेंगे, कैसे हम रिक्विजिशन ऐड करेंगे, कैसे इश्यू करेंगे, कैसे हम जो है स्टॉक एडजस्ट करेंगे। दोस्तों अब हम आते हैं लोकेशन मास्टर पे। एक्चुअली क्या होता है कि आपकी जो पॉइंट ऑफ सेल की लोकेशन होती है वो मैक्सिमम हो सकती है 2 या 3 हो सकती है, तो लोकेशन हम कैसे क्रिएट करेंगे। तो पॉइंट ऑफ सेल की जो लोकेशन है दोस्तों वो हम यहाँ पे मास्टर में जाएंगे और लोकेशन मास्टर पे जाएंगे, यहाँ से हम लोकेशन नेम जो है दोस्तों डिफाइन करेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो मैं ऑलरेडी बहुत सारी लोकेशन जो है यहाँ पे डिफाइन कर चुका हूँ। जैसे यहाँ पे देखो ल्यूटिनेस बार आपको दिख रहा है, कॉन्क्लेव विद बार आपको दिख रहा है और उसके बाद बार विद कॉन्क्लेव आपको दिख रहा है। तो ये सारी जो है लोकेशन है बार की, जहाँ से जो है हमारे बार की सेल होती है वो वाली लोकेशन है। जैसे मैं डबल क्लिक करके दिखाता हूँ तो देखो ये बार है, बार पे जो है चेकबॉक्स, बार का जो यहाँ पे बॉक्स है इस पर चेक हुआ रखा है तो ये बार की लोकेशन है कॉन्क्लेव वाली। तो दोस्तों यहाँ से तो हम जो पॉइंट ऑफ सेल है उसकी लोकेशन डिफाइन कर देंगे ना। अब हम आते हैं दोस्तों टेबल वाले कंसेप्ट पे कि जो टेबल का कंसेप्ट है वो क्या है। तो दोस्तों जो टेबल नंबर मास्टर है हम देखेंगे हम कैसे जो है टेबल डिफाइन करेंगे बार के लिए
तो देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पे ग्रिड में जो डेटा दिख रहा है कॉन्क्लेव विद वार है, और उसके बाद दोस्तों देखो कॉन्क्लेव विद वार, ल्यूटिनस वार, तो ये जो सारी है ये वार की जो लोकेशंस है इनके लिए हमने जो है टेबल डिफाइन कर रखी है, पवेलियन विद वार। देखो दोस्तों ये टेबल नंबर हमने डिफाइन कर रखी है वार के लोकेशन के लिए, तो यहाँ से तो हम टेबल मास्टर से हम टेबल क्रिएट करेंगे दोस्तों ना। उसके बाद दोस्तों अब हम आते हैं ट्रांजेक्शन में, बीओटी में। दोस्तों हम बाहर में जाएंगे और यहाँ बीओटी में जाएंगे, और बीओटी में दोस्तों आपको दिख रहा है यहाँ पे आपके बहुत सारे यहाँ पे देखो जो सब ग्रुप्स हैं वो सारे यहाँ पे आ रहे हैं, और सब ग्रुप पर क्लिक करते हो तो उसके बाद जो है आइटम से नीचे सेकंड आपके ग्रिड में दिख रहे हैं सेकंड। तो दोस्तों देखो बहुत ही काफी जो इसका देखो दोस्तों देखो डिजाइन में देखो, और इसका जो वर्किंग प्रोसेस है काफी स्मूथली रन करता है ये। तो दोस्तों अब एक्चुअली होता क्या है, अब एक मेंबर आ जाता है वो टेबल नंबर 3 पे बैठ जाते हैं और कहते हैं कि मुझे ना रम की जो है एक पैक दे दो 30 ml की। तो दोस्तों वो आप कैसे क्रिएट करोगे, तो दोस्तों आप यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटी है, आप जो वो ल्यूटिनस बार में आके बैठे हैं तो यहाँ से आप ल्यूटिनस बार सिलेक्ट कर दोगे ऊपर से ना। उसके बाद उनको चाहिए रम, तो आप रम वाले जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ग्रुप इस पर आप क्लिक कर दोगे, तो उसके बाद देखो रम की दो आइटम्स यहाँ पे जो है आपको दिख चुकी हैं, और अदरवाइज आप यहाँ पर डायरेक्ट भी आइटम्स जो है सर्च कर सकते हो। रम ओल्ड मॉन्क देखो यहाँ पर आ चुकी है, और उसके बाद जैसे रम ओलो मैम का यहाँ पर आप एंटर की जो है बटन पर आप क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे नीचे जो है एंटर भी हो जाएगा ना दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आ रहा है, आप आइटम कोड के बेस पर भी जो है यहाँ पर आइटम सर्च कर सकते हो। जैसे मैं आइटम कोड डाल देता हूँ 120 और इसे एंटर मारता हूँ, 120 पर कोई आइटम सभी है नहीं तो इसलिए वो आइटम सभी आ नहीं रहा। जैसे मैं 526 यहाँ पे देखता हूँ दोस्तों, 526 पे एंटर मारने के बाद मैं सेंटर मारता हूँ तो देखो इसके 100 पेपर 526 पे आ चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आइटम्स हैं ये जो बीओटी वाली स्क्रीन है बार ऑर्डर टिकट, तो यहाँ पे दोस्तों आपने देखा कि आप आइटम के नेम के बेस पे यहाँ पे आइटम ऐड कर सकते हो, आइटम कोड के बेस पे आप आइटम ऐड कर सकते हो, और आइटम की यहाँ पे जो है ग्रुप्स दे रखे हैं बहुत अच्छे तरीके से, यहाँ पे जो है आइटम्स कैटेगराइज कर रखे हैं बहुत ही इजी तरीके से, जो है आप यहाँ पे आइटम ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर उन्होंने रम ओल्ड मॉन्की की एक पैक जो है वो ऑर्डर की हुई है, और एक विस्की 100 पैपर्स की। तो दोस्तों और जो है टेबल नंबर जो है उनकी 31 है, 31 यहाँ पे मैं टेबल सिलेक्ट कर दूंगा ना। उसके बाद दोस्तों मैं इसे सेव कर दूंगा, सेव करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख रहे हो आप आर यू सेव दिस रिकॉर्ड, मैं इसे यस कर दूंगा। यस करने के बाद दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डू यू वांट टू टेक प्रिंट, अगर आपको प्रिंट चाहिए तो आप यस कीजिए, अदरवाइज आप नो कीजिए। यहाँ पे मैं नो कर लेता हूँ ना। तो दोस्तों जो है यहाँ पे जो है हमारी जो बीओटी है वो जनरेट हो चुकी है बार ऑर्डर टिकट। दोस्तों अब इसी तरह क्या है कि आप यहाँ पे अपनी बीओटी को मॉडिफाई भी कर सकते हो दोस्तों, मॉडिफाई कर सकते हो, मॉडिफाई के पे आप जाओगे देखो यहाँ पर मॉडिफाई का बटन है, और फिर देखो दोस्तों यहाँ पर आपकी जो है क्यूटी नंबर जनरेट हो जाती है और टेबल नंबर यहाँ पर आपको दिख जाती है। और दोस्तों यहाँ पर आप इसे डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे दोस्तों देखो आपको जो इसके 100 पेपर्स है वो रिमूव करना है, तो इसे आप जीरो करके यहाँ पे सेव कर दोगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको मैसेज दे रहा है आर यू श्योर टू अपडेट दिस रिकॉर्ड, इसे आप यस कर दोगे, डू यू वॉन्ट टू टेक प्रिंट, यस और नो, आप यस और नो कर दोगे। तो दोस्तों आपने देखा कि जैसे यहाँ पे मैंने ब्यूटी कैसे क्रिएट करी, मैंने ब्यूटी को कैसे मॉडिफाई किया। तो दोस्तों अब हम चलते हैं बिल पे, तो बिल पे जाने के लिए दोस्तों आप डायरेक्ट यहाँ पे ब्यूटी वाले स्किन से भी जा सकते हैं, गो टू बिल का यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, अदरवाइज आप क्लोज करके ट्रांजेक्शन में जाएंगे बार मॉड्यूल के अंदर बार बिल पे आप जा सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे जो बार बिल है यहाँ से आप गो टू ब्यूटी पे भी आप डायरेक्ट जा सकते हो और गो टू बिल पे भी। अब दोस्तों मैं गो टू बिल पे डायरेक्ट यहाँ पे गया, तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा है सिलेक्ट टेबल, तो दोस्तों जिस टेबल पे मेरी जो बीओटी जनरेट हुई थी वो टेबल यहाँ पर रेड कलर में आ जाती है। अब दोस्तों इस टेबल पे मैं डबल क्लिक करता हूँ तो जो डेटा है मेरा ऊपर ग्रिड में आ जाता है। और दोस्तों यहाँ से क्या होगा, अब मैं स्मार्ट कार्ड पर क्लिक करूंगा तो स्मार्ट कार्ड से क्या होता है यहाँ पर हमारा जो है डेटा उठ के यहाँ पर आ जाता है।
मेंबर्स का डेटा उठ के यहाँ पर आ जाता है और फिर उसके बाद हम सेव करते हैं तो स्मार्ट कार्ड से जो है हमारी ट्रांजेक्शन हो जाती है। और दोस्तों यहाँ पर बहुत अच्छे फीचर्स है, यहाँ पे आप अपना जो है प्रीव्यू बिल भी देख सकते हो बिल सेव करने से पहले। तो दोस्तों यहाँ पे मैं अभी जो है कि कोई मेंबर आईडी दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। अब जैसे मैं स्मार्ट कार्ड पर क्लिक करता हूँ तो स्मार्ट कार्ड पर क्लिक करने के बाद जो है मेरा जो मेंबर्स का डेटा यहाँ पर आ जाता है ना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो हमारा ये था ग्रांट टोटल यहाँ पे 30 रुपीज है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पे जो है हमारा नेट अमाउंट दिखा देता है और ग्रांड टोटल दिखा देता है, कार्ड अमाउंट भी दिखा देता है दोस्तों ना। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं जो है इसे सेव कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। अभी यहाँ पे रीडर कनेक्ट नहीं है, वह अभी मैं करता हूँ। तो दोस्तों आप देख रहे हो यहाँ पे स्मार्ट कार्ड पर क्लिक करते हैं यहाँ पे मेंबर्स का जो है डेटा आ जाता है ना। उसके बाद अब मैं इसे सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैसेज आ रहा है, आर यू श्योर टू सेव दिस रिकॉर्ड, मैं इसे यस कर दूंगा। यस करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो है हमारा जो है बिल यहाँ पे सेव हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे जो है हमारा बिल जो है जनरेट हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे दो प्रिंटर निकलते हैं, एक तो मेंबर्स के लिए और एक निकलता है आपके अपने रिकॉर्ड के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आपने जो है मेरा जो है बार का बिल भी जनरेट हो चुका है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखो आप प्रीव्यू बिल भी कर सकते थे यहाँ पे टेबल सिलेक्ट करके। नाउ हम यहाँ पे व्यू पे जाते हैं दोस्तों, तो व्यू से हम अपना ओल्ड रिकॉर्ड देख भी सकते हैं। तो दोस्तों अब ये आपने देखा कि यहाँ पे जो है ब्यूटी कैसे जनरेट हुई और बार का जो है बिल कैसे जनरेट हुआ। आपने ब्यूटी मॉडिफाई देखी थी कि ब्यूटी जो मॉडिफाई होती है कैसे होती है, हम आपको दिखाता हूँ जो बिल होता है वो कैसे मॉडिफाई होता है। बाय चांस कभी गलती से जो है बिल गलत बन जाता है। तो देखो दोस्तों बिल मॉडिफाई के लिए हम जाएंगे बिल मॉडिफाई वाले मॉड्यूल पे ना। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ मॉडिफाई बटन पे और देखो दोस्तों मैं इस बिल को जो है मॉडिफाई करता हूँ। यहाँ इसके 100 पेपर्स देखो 0 था, यहाँ पर मैं इसे 1 कर देता हूँ और 1 करने के बाद मैं इसे अपडेट कर दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैसेज आता है आर यू श्योर टू दिस अपडेट दिस रिकॉर्ड, या मैं इसे यस कर दूंगा।